हेलो व्हाट्सएप प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एमडी फिदा हुसैन एंड यू आर वाचिंग लॉजिक ऑफ इंजीनियर्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, वो है एरे। तो एरे होता क्या है, इसका यूज हम क्यों करते हैं और इसे यूज करके हम अपने कितने सारे टास्क सॉल्व करवा सकते हैं, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गो फॉर द मेन टॉपिक विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एरे। तो यहाँ पर आप देखिए, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। एरे कलेक्शन होता है, जमा होता है, जुगाड़ होता है सिमिलर टाइप्स के डेटा टाइप्स का, यानी कि एक ही तरह के वैल्यू, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह के डेटा जिन्हें हम ग्रुप बनाकर एक जगह पे रख सकते हैं एक कलेक्शन करके, तो उसके लिए हम एरे का यूज करते हैं। अब एरे का जरूरत हमें क्यों होता है, हमें एरे की जरूरत क्यों पड़ती है, तो यहाँ पर आप देखें, इट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ सेम टाइप बाय Using only single name। इसका क्या मतलब कि हम मल्टीपल डेटा आइटम्स यानी एक से ज्यादा जो वैल्यू, जैसे 10, 5, 15, 20 इस तरह के जितने भी बहुत सारे वैल्यूज है हमारे पास, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एक वेरिएबल के नाम, यानी एक नाम लेंगे और उसमें बहुत सारे वैल्यू होंगे। चलिए अब हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स के नाम है और उन 100 नाम को स्टोर करने हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, 100 वेरिएबल बनाएंगे? नहीं, आप 100 वेरिएबल नहीं बनाएंगे। मान लीजिए मेरे पास 100 स्टूडेंट्स के नाम हैं या 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, और हमें उन्हें स्टोर करवाने हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट का नाम है ए, एक स्टूडेंट का नाम है बी, एक का नाम है सी और एक का नाम है डी। ए के लिए 40, बी के लिए 50, सी के लिए 60, डी के लिए 70, अलग अलग हमने स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स दिया है। अगर मान लीजिए हमें 100 स्टूडेंट्स के नाम, अगर हमें जरूरत होती है कि 100 स्टूडेंट्स के नाम हमें स्टोर करवाने हैं, तो इस तरह से हमें 100 से भी ज्यादा वेरिएबल बनाने पड़ेंगे और उन वेरिएबल का नाम के साथ हमें वैल्यू असाइन करने पड़ेंगे, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। उसी तरह अगर मान लीजिए मैं 50,000 स्टूडेंट्स का नाम अगर स्टोर करवाना है, तो क्या करेंगे हम, 50,000 वैल्यू बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और ये बहुत ही गंदा प्रैक्टिस है। तो उसी टाइम बचत के लिए और अपने टास्क को इजी और कम वक्त में सॉल्व करने के लिए हम एरे का यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है मार्क्स, हम एक मार्क्स लेंगे और उस मार्क्स के अंदर अपने 100 स्टूडेंट्स का अगर वैल्यू स्टोर करवाना है, तो इस तरह से हम 100 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए बी सी, हमें अलग अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, हमने एक वेरिएबल लिया मार्क्स नाम का या किसी भी नाम का हम ले सकते हैं, ए बी सी कोई भी एक वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स का मार्क हम इस तरह से यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते। चलिए अब मैं आपको एक और एनालॉजी देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक डब्बा है, आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास ये एक डब्बा है और ये डब्बा किस एक स्केच पेन रखने वाला डब्बा, और इसमें इस तरह से अलग अलग हमारे पास बॉक्स बने हुए होंगे। मान लीजिए हमें 10 पेन स्केच पेन इसमें रखने हैं, अलग अलग बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस जगह पे हम अपने अलग अलग स्केच पेन अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ रख देंगे, ठीक है। और जब भी हमें किसी भी कलर का, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पर स्काई है, यहाँ पर पर्पल है, तो जब भी हमें किसी भी कलर का कोई स्केच पेन चाहिए, तो हमें पता है कि कौन से बॉक्स में कौन सा कलर का स्केच पेन रखा हुआ है, तो हम जिस कॉर्नर में भी जिस टाइप का स्केच पेन रखा हुआ होगा तो हम उसे इजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने क्या समझा कि ये जो डब्बा है, ये जो बड़ा सा डब्बा है, ये एक एरे है, ठीक है, यानी एक लाइब्रेरी है के अंदर हम बुक्स या पेन रख सकते हैं। तो इस तरह से हम एरे का यूज करते हैं जिसमें हम ग्रुप ऑफ कलेक्शन डेटा हम स्टोर करवा सकते हैं, यानी अगर 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करवाने होंगे तो हम 100 स्टूडेंट्स का अलग अलग मार्क्स अलग अलग वेरिएबल में नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से सिर्फ 100 रिप्रेजेंट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर, और वहाँ पे एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लेंगे। तो कितना आसानी हुआ, यहाँ पर देखिए हमने मल्टीपल वेरिएबल लिया है, एक से ज्यादा वेरिएबल लिया है और अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू असाइन किया है, जबकि यहाँ पर हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर हमने 100 स्टूडेंट्स को डेटा को हमने इस तरह से स्टोर करवा दिया है, और हमें अपने अकॉर्डिंग हम उसको फिर आगे अपना टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये होता है एरे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी पता चल गया होगा कि एरे का यूज हम क्यों करते हैं। अब आने वाली वीडियो में हम 1-dimensional एरे, 2-dimensional एरे, 3-dimensional एरे भी यूज करके देखेंगे कि एरे एक्चुअल है क्या, उसका प्रैक्टिकल हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल, काइंडली प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, हिट दी लाइक बटन, डू कमेंट ऑन दी वीडियो, डू शेयर माई वीडियो विथ योर अदर फ्रेंड्स। See you in my next video. Till then, keep smiling, take care and happy coding.